अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फराज़ सईद, सवाल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मेरे साथ एक बहुत नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है रफ़ीक अब्बासी साहब, जो कि इनका थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। रफ़ीक अब्बासी साहब जो हैं डिप्टी डायरेक्टर KDA हैं। आइए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं और आप बकोट से भी आपका ताल्लुक़ है, तो आगे चल के मैं उसके हवाले से भी कुछ सवालात करूँगा। तो अभी आप एक जर्नल अपना इंट्रोडक्शन दे दें व्यूवर्स के लिए। बहुत शुक्रिया जी फरासत सईद साहब, थैंक यू। जो हमारी कोशिश काविश है, ये जो मैसेज हैं वो कन्वे होने में आसानी होगी। शुक्रिया सवाल न्यूज़ चैनल का कि ये सोशल मीडिया चैनल जो है वो बड़ी आप लोगों की काविश और कोशिश है, इससे बेशतर लोगों को जो है वो मालूमात भी होती है, बहुत सारी ऐसी गुफ्तगु जो है वो उन तक पहुंचती है जो आम अंदाज से मुमकिन ना हो। तो ये इसमें बड़ी, यहाँ जो जद्दोजहद कर रहे हैं ये भी एक बामकसद जद्दोजहद है। बहुत शुक्रिया आपके, इंतहाई मशकूर हैं जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो बाकी जो बात आपने की है वो मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कैप्टनबाद की सर्कल बकोट से है, और मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल बकोट से ही किया है। उसके बाद फिर कराची यहाँ सर्विस रही, और सर्विस के साथ साथ फिर कोशिश भी रही कि इलाके के जो मसाइल हैं, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे, अब उन मसाइल में यहाँ बेहतर इस तरह के हैं, जो इब्तदाई जो लोग आए हैं उन्हें जो मसाइल का सामना था वो कुछ ज़्यादा ही था, ख़ासकर इतनी तालीम भी नहीं थी, फिर इतने अवेयरनेस भी नहीं थी, इतने वसाइल भी नहीं थे। तो उसमें फिर हम कोशिश करते रहे कि उस कोई बेहतरी का कोई तरीक़ाकार निकालें। फिर यहाँ कोई बीमार हो जाए, कोई अमवात हो जाए, तो उसके लिए भी कोई ज़राए इस तरह के नहीं बन पाते थे। ये आप एबटाबाद के एबटाबाद लोग जो यहाँ पे जो यहाँ पे जी हाँ, तो यंग सदाबाद सर्कल बकोट हमने रजिस्टर्ड कराई, और उसका यही था कि जो हमें ख़ासकर यहाँ जो लोग बीमार हो जाते हैं या बेरोज़गार होते हैं या उन्हें कोई हादसा पेश आ जाता, तो उसमें हम उनके साथ तआमुन किया कर रहे थे, और वो पर्सनल हमारे आपस के जो है वो उससे जो डोनेशन होती थी या आपस के जो मामला, तो मिलकर हम उसको हल करते थे। मतलब बहुत छोटे लेवल पे, छोटे लेवल, बहुत कम रिसोर्स स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी एक, फिर उसके बाद मुख्तलफ जो है वो ज़ाहिर बात है कि जब ये कुछ, तो एक इदारा है जिसमें अभी भी मैं तो एंड पे है सर्विस भी मेरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हूँ इस इदारे में। तो इब्तदा में हमने यूनियन एक्टिविटीज़ की, यूनियन में फिर बहुत सारे जो यहाँ लेबर के मसाइल हैं उनके लिए जद्दोजहद रखी, फिर उसके साथ साथ हमारी यहाँ कम्युनिटी का एक प्लेटफॉर्म है अंजमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान, तो ये काफ़ी चूँकि तकरीबन 1985 से ये रन कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें हमारा ये था कि बहुत सारे जो कबाइल के हैं हमारे अपने मुख्तलिफ नामों से हैं, उनको यकजा करना, उनके लिए वर्क करना, ये हमारी कोशिश थी, और वो कोशिश जारी रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2000 में मैं सेक्रेटरी जनरल इसका मरकजी सेक्रेटरी जनरल था। ये इस तंजीम के बड़े चीदा चीदा मकासद क्या हैं जी? दरअसल हमें इसमें हमने एक तो ये रखा के कबीले के बहुत सारे जो मामलात हैं या तारीख़ी हवाले हैं उनको उजागर करना और अवेयरनेस देना, और तारीख़ी हकायक से अपने जो कबीले के जो लोग हैं उन्हें मुतारफ कराना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खालिस्तान हमारे यहाँ जो शुमाली इलाकों में कम हैं, सिंध और पंजाब में ज़्यादा हैं, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो अब्बासियों का दौर रहा है, सिंध में भी रहा, पंजाब में भी रहा, तो वो बहुत कम लोग उस हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नामी लोग गुजरे हैं, बड़े नामवर लोग गुजरे हैं अब्बासी फैमिली के, दो चार शख्सियत के नाम आप जो बड़ी इस वक्त हैं उनके नाम मेंशन कर दें।
जी अलहमदिल्ला अब्बासियों में जैसे वहाँ हमारे यहाँ जो इलाका है शुमाली इलाका जात में दो खासे ऐसे नंबर लोग मौजूद हैं, वो अब वो जो है वो खासी तादाद है उनकी माशाल्लाह। लेकिन इसकी इब्तिदा में जब ये तंजीम बनी तो शायद खाकान अपना खाकान अबासी साहब मरहूम खाकान अबासी साहब शायद अबासी साहब के वालिद, अच्छा वो उस प्रोग्राम में उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था। अच्छा उस प्रोग्राम में इस्लामाबाद से आए थे और इस्लामाबाद से उन्हें फ़्लाइट न मिली और वो पेशावर से जाके उन्होंने फ़्लाइट ली और इस प्रोग्राम में वो शामिल हुए। अच्छा लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिंध से हैं जो अजीम मुनव्वर अली भाई साहब रहे, इसी तरह काजी फैमिली के हैं जो वो हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, काजी असद आबद साहब, और इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ सिंध से ही हैं डॉक्टर शफकत हुसैन भाई साहब। अच्छा तो सिंध ने हमारी और माशाल्लाह बड़ी शख्सियात हैं जो करोड़ों का दौर गुजरा है, ये भी चूँकि ये अब्बासी हैं और उस वक्त जो है जिस तरह यहाँ करोड़े अब्बासी हैं, पंजाब के अंदर दाऊद बोते अब्बासी हैं जो बावलपुर के हैं। अच्छा ये तो इसी तरह हमारे यहाँ जो हैं वो ढूंढ अब्बासी हैं जी। राइट, तो ये मतलब ये सारी रिसर्च जो है आपने इस तंजीम के मतलब शेल्टर के अंदर की है? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तंजीम से जो है ये सारी यही रिसर्च है, बल्कि बहुत सारी इस वक्त कोई 40 से ज़ायद किताबें जो इस कास्ट पे लिखी गई हैं। अच्छा। उन किताबों से भी रोशनास कराया है। अच्छा। फिर और मुख्तलिफ हमारे जो हिंदुस्तान से माइग्रेटेड हैं अब्बासी या कराची के अंदर मौजूद हैं, उनमें उनमें काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो बड़े लिखने पढ़ने वाले हैं, हमारे महमूद अहमद अब्बासी साहब उन्होंने इंसाफ पे भी किताबें लिखी हैं, इसके अलावा भी उन्होंने बड़े अच्छे वो लिखने वाले लोगों में से हैं, उनका बड़ा नाम है जो इस तरह के लिखने वालों में, तो वो ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, इस तरह के लिखने वाले लोग मौजूद हैं, एक बड़ा वसी वो है और जिसे समेटने की ज़रूरत थी। तो इस तंजीम को ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको आगे लेकर चलने में आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तंजीम इसमें हमारे डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब जो हैं वो बड़ी पोस्ट पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं सिंध के, अच्छा डीसी डंडवाला यार भी रहे हैं, और हमारे पास माशाल्लाह एक वो उनकी एक क्रेडिबल शख्सियत हैं। ओके okay. और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पे बरादरी के लोग जो हैं वो एतमाद करते हों, आपका किरदार ऐसा हो, कैरेक्टर वाइज जो है ना वो लोगों में पता हो कि ये बंदा हमारे लिए बेहतर सोच रखता है, बिल्कुल, तो उसको फिर वो फॉलो करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तरह की शख्सियात मौजूद हैं और बड़ी शख्सियात हैं जो आप कहीं भी चले जाएं तो आप अगर नाम लेंगे, हालांकि सिंध से उनका ताल्लुक है मेरा के भी कैसे है, तो ये यहाँ हम अगर सिंध के इलाकों में जाते हैं तो हमें कोई वो नहीं लगता, अपनाइयत महसूस होती है। आपका एक बहुत की रोल है इसमें कि आपने एक अब्बासी ख़ानदान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए, इस तंजीम का भी वही आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में क्या काम किए हुए हैं आपने, मतलब जो चीज़ें कुछ चीज़ें तो आपने बता दी, इसके अलावा एबटाबाद की सतह पे और कराची लेवल पे? कराची लेवल पे जैसे बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आती हैं, मौजूदा भी ये कोरोना का जो रहा इसमें लोगों को बड़ा सफ़र करना पड़ा और बड़ा एक लॉन्ग टर्म ऐसा था कि जिसमें लोग जो है बड़े प्रॉब्लम में रहे, तो हमारी कोशिश ये रही है कि उन तक जो राशन है वो किसी न किसी तरह से पहुंचाया जाए, तो उस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है। हमारे पास कराची के अंदर जो हमारे 6 ज़िला थे, 6 में ही हमारी तंजीम साजी मौजूद है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर ज़िले से जो है ना वर्किंग हुई है और वो कम अज़ कम औसतन हमने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो राशन है कच्चा और पक्का वो लोगों तक पहुँचाया, और बाज़ जगहों पर हमने कोई तफरीक भी नहीं रखी कि अब्बासी है या नान अब्बासी है, ये बहुत हमारी कोशिश थी कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उन तक वो चीज़ पहुँचे और इस क्राइसिस से निकलें, और उसमें हमारा हर आदमी निकला है, हमें खुद हमने अपने जो दोस्त ये अपनी पर्सनल एफर्ट्स थी। राइट। हम किसी से हमारा चूँकि वो जो सिस्टम होता है चंदे का वो हमने नहीं रखा है, जो अपने सोर्सेज हैं अपने ताल्लुकात हैं वही हम यूज़ करते हैं कि जहाँ की ज़रूरत होती है
तो वो अपने लोगों को हम उसमें वो सामने ले आते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक। अच्छा सर, तहरीक हज़ारा के हवाले से ये तहरीक चली तो बड़ी अच्छे तरीके से थी, मतलब काफ़ी पज़ीराई भी मिली इसको, लेकिन उसके बाद से वो ख़त्म हो गई। मतलब वो जो एक स्ट्रॉन्ग इसका वो एक लोगों सामने व्यू सामने आया था, लोग आ भी रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, जमा हो रहे थे, फिर वो ख़त्म हो गया, उसकी क्या वजह? जी बात यही है कि उस वक्त चूँकि हमारे पास एक उस वक्त एक बन गया था, माहौल बन गया था, वो बनने की वजह हमारे वो शोधा हैं जो वहाँ इब्तबाद में जिन्हें शहीद कर दिया गया था, और उससे फिर लोगों के जज्बात जो है वो एकदम से वो ऊपर आए और उन्हें बड़ा शदीद जो है वो ये एहसास हुआ कि भाई इस तरह से जो है एक हम आवाज़ के लिए उठे थे और निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। तो वो चाहे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक था, पार्टी एक तरफ करके वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उस वक्त हमारे पास बाबा हैदर जमान माशाल्लाह एक अच्छी क्रेडिबल शख्सियत थी, किरदार के हवाले से लोग उनसे आगाह भी थे और बड़े साफ गो आदमी थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो एक बड़े लीडरशिप के अंदर जो चीज़ें हों वो शायद उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हो नहीं भाई कि उस क्राउड को जो है वो तंजीम में तंजीम की तरफ ले आते। तो वो क्राउड तो बन गया लेकिन उससे उसके लिए कोई प्रॉपर वर्क नहीं हो पाया, कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई, और जितने भी लोग सारे साथ उनके आए थे वो सब के सब जो है वो किसी न किसी पार्टी से वो रिलेटेड थे, और वो उस वक्त बस वो जब पार्टी से रिलेटेड थे तो उन्हें चूँकि फारिग थे तो एक ये उन्होंने समझा कि वो बाबा के साथ हो गए, हम भी ये समझे कि ये सिंसियरिटी है, लेकिन बाद में जाके जब वो जो है ना मुख्तलिफ पार्टियों में निकल गए तो लगा कि ये कोई सिंसियरिटी का मामला मतलब नहीं उस है, उस तहरीक को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल सकी, नहीं मिल सकी तो। उस तहरीक को देखें, तहरीक को जो है ना जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन में अगर हमारे पास एक या दो सीटें आ जाती हज़ारा से तो फिर वो ये होता है कि असम्बली के अंदर बंदा वो चूंकि उसी से रिलेटेड होता है वो उसी की गुफ्तगू करता है। तो अभी आपको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है उस तहरीक जब आप किसी पार्टी से होंगे तो फिर पार्टी के उस पे मंशूर पे या पार्टी की जो अदायत होंगी उन्हीं पे काम करेंगे। तो अब वजह यह है कि अगर उससे आप जो आइनी तरीक़ेकार हैं उस पे अगर जाएंगे तो मुश्किल नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि आपको तीनों ऐवानों में 100% आपको हमायत चाहिए, जिसके इम्कान जो है वो कम ही हैं, और अगर किसी और ज़राए से बन पाता है, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भर में सूबे जो है वो बनने चाहिए, और वो इसकी तो जो रिडक्शन पूरी की पूरी बिल्कुल ही सेपरेट है, हज़ारे को बनना चाहिए। और हमने अभी भी जो तहरीक जो है वो चल रही है, सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन हैं सरदार यूसुफ साहब, तो उनसे यहाँ गल्फ होटल में जो है वो मुलाकात में भी हमने ये कहा कि जी बात यह है कि जब तक अगर सूबा नहीं बनता तो कम अज़ कम हमें वो हकूक तो मिलें कि हज़ारे के अंदर कहीं भी मुलाजतों का कोटा आता है तो उसमें कम अज़ कम हमें उसमें जो है ना वो हमारा जो शेयर है हमें मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेज वहाँ मौजूद हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिलते, नौकरियाँ हज़ारे में होती हैं तो पेशावर से अपॉइंट होके आते हैं, तो अब हमारे जो लोग हैं वो कहाँ जाएँ? सिंध में जो है वो डोमिसाइल पर प्रॉब्लम है, आप जब तक मुस्तकिल यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, सिंगल एड्रेस के अलावा अगर आपका डबल एड्रेस है तो आपको डोमिसाइल नहीं मिलता, उस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी हैं, और वहाँ बिल्कुल ही जो है ना उन्होंने वो जो जितनी वैकेंसीज होती हैं वो सारी पेशावर से फिल होके आती हैं, और हज़ारा जो है वो उसमें भी महरूम है, और यहाँ पर भी जो है वो यहाँ तो हम कितना क्लेम करें चूँकि ये तो दूसरा प्रोविंस है, जब हमें अपने सूबे में हकूक नहीं मिलेंगे तो दूसरी जगह हम क्या बात करेंगे। अच्छा सर, आपका ताल्लुक बकोट से है, बकोट के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे बकोट है क्या, ताकि लोगों को पता चले इस की खूबसूरती और इसके बारे में कुछ ख़ास ख़ास बातें। जी बकोट देखें तो इतना खूबसूरत इलाका है, जितनी आबशारें और जितने चश्मे हैं कुदरती मीठे पानी के, इतने शायद ही किसी और जगह पे हों।
ये लगन इससे जी। इसमें वो आप जाएं तो हर गांव के बाद एक बड़ा जो है ना वो एक बड़ी टूरिज्म जी टूरिज्म की, और उसके लिए बेहतरीन तो यही है कि जब तक इस रोड को लिंक नहीं करेंगे किसी भी इलाके को तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो रोड का होना है। और जब तक ये रोड इब्तबाज से लिंक नहीं होगा इस इलाके में बिल्कुल भी जो है ना इसकी पसमानगी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोड से ही आपकी रिलेटेड हैं, चाहे आपका हॉस्पिटल है या स्कूल हैं या इस तरह के बड़े टेक्निकल सेंटर हैं, उनकी ज़रूरत है, बहुत बड़ी आबादी है। अच्छा सर, लेकिन आपकी तवज्जो से एक बात मैं करना चाहूँगा कि ये सहूलतें न होने की वजह से, रोड लिंक जो है वो इब्तबाज से न होने की वजह से हमें दुश्वारियाँ ये आ रही हैं कि अब वो इलाका जहाँ आबादियाँ जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, जो लोग थोड़े बहुत वसाइल रखते हैं वो इब्तबाज पिंडी शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रिहायशी सहूलतों के लिए इलाके ही छोड़ दिए, तो ये सूरत हाल ये बदतरी जारी है। अगर इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये मुश्किल आने वाले दिनों में ज़्यादा होंगी। राइट अच्छा, इस आप जिक्र कर रहे थे हिस्टोरिकल अब्बासी फैमिली के DNA रिसर्च के हवाले से जो आप तहकीकी इदारा बनाने जा रहे हैं वो क्या है? जी मुबशर साहब ने बात की थी, असल में हमारा इसमें जो है ना क्योंकि रिसर्च पे काम नहीं हो पाया, हम ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ एक कम्युनिटी का चूँकि एक बड़ा एक मुल्कगीर सतह पे या वर्ल्ड बेसिस पे देखें तो अब्बासियों की 7-750 साल हुक्मरानी रही है। अच्छा। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ ये रहे ख़ासकर पाकिस्तान में उसमें 325 साल जो है वो भावलपुर में रहे हैं, 80-85 साल जो है वो सिंध में हुक्मरानी रही है, तो ये सिंध में आज भी जो बड़े यहाँ मौजूद हैं उनके मकबरे अगर आप सिंध की तारीख में देखें कलोड़ों की तो मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो, मियाँ सरफराज कलोड़ो, मियाँ आदम शाह कलोड़ो, मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो, तो ये अपने नाम के साथ लिखा करते थे खादमुल फुकरा, यानी फ़कीरों के भी खादम, तो ये अच्छा। ऐसे लोग थे। और ये हिस्ट्रियाँ जो है वो जितनी तारीखी हकायक हैं वो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये हम आगे तक पहुँचाएँ, तो इसके लिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने 3 मंजिला हमारे पास अपना अब्बासी सेक्रेटरिएट मौजूद है और उसमें हमने ये सारी चीज़ें हम ये करना चाह रहे हैं तारीखी हकाइक पे, वहाँ हमारे प्रोग्राम भी उसी में होते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है हमारे पास, कंस्ट्रक्टेड प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ ये करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाह रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है उसे बहुत सारी चीज़ें बेहतर मिलें ताकि उसको वो आगे बढ़ाएं। राइट, एक मसला है इसका गुरबत का, पसमानदगी का, हमारे जो एब्टाबाद का इलाका है और जो तकरीबन सारा पूरा एब्टाबाद डिस्ट्रिक्ट तहसील, तो उसके हवाले से क्या चीज़ें की जा सकती हैं या आप लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं उसमें? दरअसल उसमें अगर आपका मेन जो है ना वो टूरिज़्म एक ऐसा है कि उससे मुल्की सतह पे भी लोगों को वहाँ इलाकाई सतह पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उन्हें कुछ ना कुछ करने के मौके मिल जाते हैं और वो छोटे छोटे अंदाज पे अपने काम करते हैं जिससे जो है उनका गुजर बसर बेहतर हो जाती है। इस वक्त जो है वो वहाँ बेशतर ज़मीनों पर जो है एक तो वो ज़मीनें भी सुकड़ गई हैं, मतलब सुकड़ यूँ गई हैं कि जहाँ एक बंदा था वहाँ अब 10 हो गए, तो अब उनके मकानात वगैरह बनने के बाद जो है वो काश के लिए ज़मीन बाकी नहीं रहती कि भाई वो उससे कोई ज़रिए आमदन के ज़राए निकलें, वो भी सिलसिला अब ना होने के बराबर ही होकर रह गया है। और दूसरा ये है कि लोग जो दूर दराज हैं ख़ासकर इन इलाकों में पसमानदगी की वजह से जो शहर हैं कुर्ब जवार में, इब्तबाद है, पिंडी है, उस पर बर्डन है और वो हम ये कह रहे हैं कि और इसी तरह बहुत सारे देहात हैं, लेकिन हमारा देहात जो है वो ख़ासकर ये ज़्यादा पसमानदगी की वजह इसमें ये प्रॉपर रोड का ना होना है। तो ये एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं, मैं जब वहाँ प्राइमरी में था तब से कोला से बोई रोड हम सुनते आ रहे थे, बोई से आगे इब्तबाद तक तो रोड है, लेकिन ये उसमें ये समझें कि आज कम से कम इस बात को भी 50 साल हो गए हैं लगभग
50 साल में अब फिर से वो ऐसा ही नाम चल रहा है, ग्वाला से बोई रोड, वो हमारे बच्चे भी नाम ले रहे हैं, आने वाली नस्लें भी शायद यही करती रहेंगी। लेकिन इस रोड का जब तक कोई पुरसान हाल नहीं होगा, ये रोड इब्तबाद लिंक रोड ये नहीं बनेगा, इब्तबाद प्रॉपर ये रोड नहीं बनेगी, ना तो सियाद को फ़रोग मिलेगा, ना इलाके में ना गुरबत ख़त्म हो सकती, ना गुरबत ख़त्म, तब तक लोग जो है माइग्रेट करते रहेंगे, बिल्कुल माइग्रेट करते रहेंगे। और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि इलाके जो है वो आपको खाली मिलेंगे। आज भी जाहिर बात है कि जब कोई बोलने वाले लोग जो हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, जो इसमें दर्द रखने वाले लोग हैं, जब वो इलाके छोड़ देंगे तो फिर वहाँ कौन दिलचस्पी लेगा। सही है। अच्छा सर, आखिर में पूरी अब्बासी फैमिली के लिए, जो कि आपकी एक मतलब पूरे मुल्क के सतह पर बात करें, उनके लिए आखिरी एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहिए? जी मैं ख़ासकर ओवरऑल देखें, वहाँ हम एक कबीले के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम कोई इस तरह का माज खड़ा कर रहे हैं। हम एक अपनी यूनिटी में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तारीखी हकाइक हैं वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करें और उन्हें एक रास्ता मुतय्यन करें। और अब्बासियों का जो दौर रहा है, उन्होंने सबकी खिदमत की है, और हम ये नहीं है कि भाई इसको एक सेपरेटली लेके चल रहे हैं और उन्हीं तक महदूद रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जहाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भी कुर्बजवार के लोग हैं, जितने भी वहाँ और हमारे जो दीगर कबाइल हैं, उनमें हम बिल्कुल इसी तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि इस फलाह बहबूद में जो है उनको हम पार्टिसिपेट करें, उनके मसाइल भी देखें और उनके साथ भी इसी तरह तआवुन करें। यही हमारा उनको मैसेज भी है अपने भाइयों को कि वो सबसे पहले तो ख़ुद अपने अंदर मुनज़्ज़म हों और फिर वो दूसरों की भी इसी तरह खिदमत करें, इसी तरह उनसे भी तआवुन करें जिस तरह आप अपने भाइयों बहनों में, अपने कबीले के लोगों में करते हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें सवाल टीवी के इस प्रोग्राम में, और हमें हमारी ज़रूरत जहाँ जहाँ आपको पड़े इस कॉज के लिए, आपके किसी भी कॉज के लिए, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। नहीं बिल्कुल, आपका ये बड़ा काम है और इसमें इंशाल्लाह जिस भी तआवुन की ज़रूरत होगी, वो चूँकि बड़ा शहर है ये कराची, इसमें मामलात ऐसे ही हैं कि ये काम बड़े दुश्वार काम है, बिल्कुल, तो इसमें जहाँ भी कहीं आप ये समझते हैं कि हमारा तआवुन दरकार है, वो आपको हर फील्ड में इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारी रसाई है हम आपके साथ हैं। मशकूर हैं आपके, आपने वक्त निकाला और हमारे कुछ गुफ्तगू जो है वो दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया सर, हम आइंदा भी आपको कुछ प्रोग्राम्स में ज़रूर मदू करेंगे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।